तुम स्वयं शिव शक्ति के स्वरूप हो, अंदर के आनंद की ओर बढ़ो। और अज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके, मन को एकाग्र करके, पहले शून्य विचार शून्य करो, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। विचार शून्य करने में सफल हो जाओगे तभी तुम्हारा ध्यान लगेगा, और ध्यान लगेगा उस पार एक आती है अवस्था, सूक्ष्म की अवस्था, समाधि की अवस्था, और समाधि से पार द्रव्यों में, जिस तरह द्रव्य जगत है उसी तरह अद्रव्य जगत है। और जब हम द्रव्य अद्रव्य संबंध स्थापित करने लगते हैं तो हमारी अज्ञानता नष्ट होती चली जाती है। उधर के स्वभाव को लेकर के आगे बढ़ो, बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ी तृप्ति है, सब कुछ छिट जाए फिर भी मस्ती है। हमारे अनेकों ऋषि मुनि मस्त रहते थे, बाहर से फकीर, अंदर से सबसे बड़े धनवान, अंदर सबसे बड़े तृप्त, अपनी तृप्त से हजारों लाखों को तृप्त कर देते थे। धन दौलत देके वो तृप्ति नहीं मिल सकती। आज भी हमारे ऋषियों मुनियों के जो आश्रम है, जहां पर कोई तपस्वी रहता था, आज वो यदि खंडहर भी बने पड़े होंगे तो वहां जाकर के शांति मिलती है, वहां के वातावरण में चेतना, क्योंकि आसपास का दायरा चेतन हो जाता है, चेतना तरंगों का सहज प्रभाव होता है, जड़ चेतन जीव चेतन होने लग जाते हैं। उस दिशा में बढ़ो, उस अनमोल धरोहर को तुम्हारे अंदर भी है, तुम भी उसे प्राप्त कर सकते हो। यही तो सच्ची माँ की भक्ति है। केवल छोटी छोटी समस्याओं में मत उलझो, बल्कि माँ के चरणों में तो नित्य करो कि माँ मेरे जीवन में जितने कष्ट आने हैं उनसे ज्यादा दे दो, मैं आपसे कभी भिखारी बन करके नहीं मांगूंगा, पात्र बन के मांगू, इसके लिए मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं पात्र बन सकूं। मेरे हर अपराध का मुझे दंड देना, मुझे किसी दंड से मत बचाना, मुझे जो कोई गलती हुई है तो उसका दंड मुझे मिले, मगर हर दंड को भोगने की क्षमता मां मैं आपसे हाथ फैला करके मांगता हूं कि मैं टूटने ना पाऊं, मैं बिखरने ना पाऊं, हर संघर्ष से पार उतर जाऊं। हे माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा, आप हमारा सर्वस्व हो, आप अनंत लोगों की रचना करने वाली हो, मैं तो एक बहुत तुच्छ सा प्राणी हूं, सामान्य सा जीवन जीता हूं। वैसी प्रार्थना तो मां के चरणों में करो कि मुझे तृप्त कर देना, मां आपके लिए तो बहुत सामान्य सी चीजें हैं, मगर मैं तृप्त पात्र बनकर के होना चाहता हूं। आप कृपालु हो, आप दयालु हो, सब पर दया करती हो, मुझे केवल पात्र बना दो, मेरी किसी समस्याओं का समाधान मत करो। मेरा पुत्र नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाए, मेरा पति नष्ट हो रहा है, नष्ट हो जाए, पत्नी नष्ट हो रही है, नष्ट हो जाए, मेरे घर में आग लगनी है, लग जाए, मेरा सरोज नष्ट होना है तो नष्ट हो जाए, मां मुझे पात्र बना दो, मुझे भक्ति दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मुझे आत्मशक्ति दे दो, मेरी तपस्या केवल इसी पक्ष पर फलीभूत हो। आप जगत जननी हो, आपका और मेरा संबंध अटूट है, आप मेरा सर्वस्व हो, आपके बल पर मैं चल रहा हूं, बोल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं। मां मुझे अपनी ममता के सागर में डुबकी लगाने दो, मां मैं पार नहीं उतरना चाहता, मां जिस पर मुझे एक बार आपने डुबा लिया है उसके दूसरे किनारे को मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि जो आनंद आपके चरणों में है, जो तृप्ति आपके चरणों की भक्ति में है, वह तृप्ति मुझे त्रिभुवन के सभी सुखों को भोग लेने पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी आपसे निर्मित है, यह पूरा जगत आपसे निर्मित है, तीनों लोक आपसे निर्मित है। मां मुझे और क्या आप देकर के तृप्ति कर सकती हो, मां अगर मुझे कुछ देना है तो अपने चरणों का सिर्फ दास बना लो, मुझे एक ऐसी अटूट भक्ति दे दो जो कभी नष्ट न होने पाए, एक ऐसी भक्ति जो आज तक किसी न प्राप्त की हो। मां मैं आपका अपना हूं, आप मेरी हो, मुझे एक बार अपना लो, एक बार अपनी शरण में मां मुझे ले लो। मां मुझे जो क्षण प्राप्त हो रहे हैं ये सब आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, मां अगर मैं पूजन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं तो मां आपकी कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, मुझे मां वह अनन्य भक्ति दे दो, अपने चरणों का दास बना लो। मां मैं आपका अंश हूं, वास्तव में आपका अंश बन जाऊं जैसा मां ने आपने मुझे बनाया था। हे मां मैं आपके चरणों पर प्रार्थना नहीं कर सकता, एक अबोध बालक आपकी क्या प्रार्थना करेगा, आपकी क्या स्तुति करेगा, आपकी क्या वंदना करेगा, और किन स्तुतियों से आप प्रसन्न होगी, क्योंकि ये स्तुतियां तो हमारे मन बुद्धि से निर्मित है, इन स्तुतियों से यदि आप प्रसन्न होने वाली होती तो आज तक अनेकों साधु संत सन्यासियों ने आपकी बड़े के बड़ी स्तुतियां की है। मां हमें स्तुति करने का ज्ञान नहीं, हमें वह शब्द ज्ञान नहीं कि जिसे हम आपको प्रसन्न कर सकें, और जो जगत को प्रसन्न करने वाली मां है उन्हें कौन प्रसन्न कर सकता है।
देवादि देव भी जिन्हें प्रसन्न नहीं कर सके, देवादि देव भी जिनकी भक्ति नहीं कर सके, हम अबोध बालक आपकी क्या भक्ति कर सकते हैं? आप तो अपनी कृपा मात्र से, अपने स्वभाव मात्र से, क्या ममता के सागर हो, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, माँ हम पर कृपा करो, हम सब आपके दास हैं, आपके चरणों के भक्त बनना चाहते हैं, हमें अपने भक्तियों के तार से जोड़ लो माँ, हम पर कृपा करो माँ। माँ आपका स्वभाव ही है सब पर कृपा करने का। हम जिस भवसागर में फंस चुके हैं, इस भवसागर माँ आप ही हमें निकाल सकती हो, आप दाती कहलाती हो। यदि कुछ हमें देना है तो माँ हमें भक्ति दे दो, भक्ति के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ हमें ऐसा ज्ञान दे दो कि हम आपके चरणों के दास बन सके, सतमार्गी बन सके, हमें आपने जैसा बनाया है वैसे हम कर्म कर सके। हाँ माँ हमें आत्मशक्ति दे दो, आपकी वैसी आत्मशक्ति प्राप्त कर सके कि आपकी भक्ति के बड़े बड़े आने वाले अवरोधों को हम पार कर जाएं, हमें उसी में तृप्ति मिल रही, उसी में आनंद मिल रहा है। हम भौतिक जगत में हैं माँ, मगर इस भौतिक जगत के बंधनों से हमें बचा लो। आप मायाधिपति कहलाती हैं, आपकी माया का कोई चक्र हमें बाधित न कर पाए। हम तो आपके दर्शन करना चाहते, आपकी माया से हमें संबंध नहीं जोड़ना चाहते। माँ हमें आपसे तृप्ति मिलेगी, आप हमें वैभवशाली मत बनाओ, रिद्धियों सिद्धियों का मालिक मत बनाओ, हम किसी में नहीं उलझना चाहते। जो रिद्धियां सिद्धियां आपके चरणों की दास हैं, हम उन चरणों को पकड़ना चाहते हैं माँ, उन चरणों को हम देखना चाहते हैं, उन चरणों का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, उन चरणों से सिर्फ जुड़ करके रहना चाहते हैं हम माँ। हम मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति पाकर के हम क्या करेंगे? मुक्ति पाकर के तो हमारा आपका संबंध ही समाप्त हो जाएगा, मुक्ति पाकर के तो हम उस भक्ति से अलग हट जाएंगे, हम पता नहीं कहाँ पर किस मार्ग में चले जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। माँ हम हर पल अपनी आत्मा का अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं और हर जन्म जन्म में आपके चरणों के केवल दास बने रहना चाहते हैं। माँ हम पर कृपा करो, माँ आप दयालु हो, कृपालु हो, जगत जननी हो, हम पर कृपा करो, कृपा करो माँ। हम आपके आराधक हैं, हम आपकी स्तुति नहीं कर सकते, हम आपकी वंदना नहीं कर सकते माँ, हम आपकी प्रार्थना नहीं कर सकते, मगर हम माँ कण कण में मौजूद हो, हम आपकी ध्वनि सुन सके ना सुन सके माँ, आप हर पल हमारी ध्वनि को सुन रही हो माँ, हमारी ध्वनि को सुनो, हमारी प्यास को मिटाओ, हमारी प्यास को माँ आप ही मिटा सकती हो। हमें बाहर से तृप्ति नहीं मिल सकती माँ, हमें अंदर की तृप्ति को जगा दो, हमारी चेतना को जगा दो, हमारे चक्रों को जगा दो, हमारे मन मस्तिष्क को शुद्ध और पवित्र बना दो। ऐसे कोई संसाधन बाहर के नहीं कि हम अंदर को पवित्र बना सकें, हम आपकी भक्त भी अपने अंदर मन को पवित्र बना सकते हैं। हमारे मन को मां निर्मल कर दो, हम पर इतनी कृपा कर दो कि हमारा निर्मल पवित्र मन बन जाए, हमारे अंदर की सत्य वाणी को जगा दो, हमारे अंदर की चेतना शक्ति को जगा दो माँ। हम हर पल आपके चरणों के दास बने रहें, हमारा सर्वस्व छीन लेना, हमें कुछ मत देना, मगर अपने चरणों के दास बना करके हमेशा रखना, उससे हमें कभी बिलग मत करना। हमारा जो आपका संबंध जुड़ा हुआ है वह एक अटूट बना रहे, एक ऐसा अटूट बंधन जो इस भूतल पर कोई भी बंधन को तोड़ने की सामर्थ्य ना रख सके। हमें माँ वह ज्ञान दे दो, हमें माँ वह भक्ति दे दो, हम आपके चरणों के दास बन कर रहें। माँ हम आपकी सच्ची प्रार्थना नहीं कर सकते, आप सच्ची स्तुति नहीं कर सकते, आपको स्थान नहीं दे सकते, हम आपको क्या स्थान देंगे माँ? जिस स्थान में दे वह स्थान इतना पवित्र नहीं हो सकता जो आपके योग्य हो, मगर केवल इतनी भावना है माँ कि यह सब जगत आपका है, कण कण आपका है, कण कण में व्याप्त है आप, तो माँ जहाँ आप स्थापित हो जाते हो वह स्थान अपने आप पवित्र बन जाता है। उस स्थान पर जहाँ पर आपका गुणगान होता है वह स्थान सदैव पवित्र बन जाता है, और वो पवित्र स्थान माँ हमारा भी कल्याण करे, हमारा आत्म कल्याण करे। हम भौतिक जगत का सुख नहीं चाहते, हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं। हमें माँ उस अटूट रिश्ते से जोड़ो, हमारे अंदर वह प्रेम जगा दो, हमारे अंदर वह भक्ति जगा दो। जो भक्ति माँ ध्रुव के पास थी, जो भक्ति माँ प्रहलाद के पास थी, जो भक्ति माँ मीरा के पास थी, जो सूर्य के पास थी, जो तुलसी के पास थी, वह भक्ति हमारे अंदर जगा दो। जो सबरी के पास थी वह भक्ति हमारे अंदर जगा दो। माँ हम भी तो उसी अंश में हैं माँ, हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी वही आत्म तत्व बैठा है। जब कोई दूसरा वह कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें उस पथ का मार्ग का राही बना दो माँ, हम पर कृपा करो माँ, हम पर कृपा करो माँ, हम आपके चरणों के दास हैं। उस भावभूमि पर उतरो। मैं अपने शिष्यों का आह्वान करता हूँ कि नित्य प्रति माँ से मांगो तो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो, उसमें सब कुछ सार समाहित है। निश्चल मन से अपने अंतर मन को धोने का प्रयास करो, माँ हर कण कण में मौजूद है, माँ हर पल कृपा आप पर बरसा रही है। कुल आवश्यकता है नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जी करके देखो। माँ तुम्हें ममता के सागर में डुबकी अवश्य लगवाएंगी, उस आनंद लोक के दर्शन अवश्य कराएंगी, उस विस्थाश्रम धाम के आप बासी बनोगे। एक बार उस विचारधारा में खो करके देखो, उस स्थिति में डूब करके देखो,
माँ के चरणों में सरती प्रार्थना करके तो देखो, तुमने अपने समस्याओं के समाधान के लिए माँ के चरणों पर आंसू बहाए होंगे। एक बार माँ की प्रार्थना करके माँ की भक्ति पाने के लिए, माँ के दर्शन पाने के लिए, माँ के चरणों का दास बनने के लिए, माँ के चरणों की कृपा पाने के लिए माँ आंखों से आंसू बहा करके तो देखो, तुम्हारे आंखें निर्मल हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें पवित्र हो जाएंगी, तुम्हारे आंखों का विकार नष्ट हो जाएगा। एक बार माँ के चरणों पर डूबने का प्रयास करके तो देखो, एक बार माँ को अपने नेत्रों में बसा करके तो देखो, एक बार उस भावभूमि में डूब करके तो देखो, माँ तुम्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगी। एक बार उस धरातल पर खड़े हो जाओ, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो। नवरात्रि जैसा महत्वपूर्ण पर्व, नवमी तिथि सिद्धदात्री माँ कहलाती हैं, और हमें सिद्धि क्या चाहिए? हमें अपने आप को ही सिद्ध बनाना है, विकारों से मुक्त करना है। आओ हम सब माँ के चरणों में सच्चे मन से प्रार्थना करें कि माँ हमें निर्मल मन मस्तिष्क बुद्धि दे दो। हमें अगर कुछ प्रदान करना है तो हमारे अंतःकरण को निर्मल और पवित्र बना दो, माँ हम आपके सच्चे भक्त बन सकें। यदि हम सच्चे भक्त बन गए, हमारे अंदर के पौरुष को जगा दो, हम पुरुषार्थी बन सकें, हम संकल्पवान शक्ति साधक बन सकें। अगर उस दिशा में हम बढ़ गए तो हमारा पतन अपने आप रुक जाएगा। उस भावभूमि पर खड़े होकर के देखो, सच्चे मन से माँ को पुकार करके देखो, सच्चे मन से माँ की स्तुति करके देखो, प्रार्थना करके देखो, नित्य प्रति हर पल माँ के चरणों का ध्यान करके देखो। माँ कण कण में मौजूद है, यह सृष्टि उनकी रचना है। हर ऐसा कोई कण नहीं जहां माँ की मौजूदगी न हो, माँ की चेतना तरंगे न हो। फिर भी आप कहते हैं हम माँ से दूर हैं। एक बार उस संबंध को जोड़ करके देखो, माँ के चरणों की सच्ची भक्ति करके देखो। भौतिक जगत के संसाधन ही मत मांगो, जीवन मत मांगो। एक दिन का जीवन रहे, दो दिन का जीवन रहे, वह एक दिन का दो दिन का जीवन हमारे लिए फलीभूत हो जाए, हम सच्चे माँ के भक्त बन सके। वैसे नित्य माँ की भक्ति करो। नवरात्रि पर्व हमें यही सिखाते हैं कि नौ दिन हम कम आहार करके, उपवास करके, नज़दीक वास करके अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाएं, निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं, और निर्मल पवित्र बना करके माँ की कृपा के पात्र बने, माँ का ध्यान करें, उनकी स्तुति करें, उनसे और नजदीकता का संबंध जोड़ें। ये माँ भली भांति जानती है हमें क्या चाहिए, हमें क्या ना चाहिए। हम माँ को बताना चाहते हैं कि माँ हमें ये दे दो। अरे वो जगत जननी है, अनंत लोकों की रचना है, सबका पेट भर रही हैं, हमारा भी भरेंगी। वह जानती हैं कब हमें भूखे रहने पर हमारा कल्याण है, कब हमें भोजन करने पर हमारा कल्याण है, किस तरह का दंड भोगने में हमारा कल्याण है। हमें तो सिर्फ एक कामना होनी चाहिए कि हम कुसंस्कारी न बने, हम संस्कारी बने, हम सत्कर्म कर सकें, हमसे कोई दुष्कर्म न हो। हमें तो माँ से यह मांगना है, हर पल माँ की इसी भावना से प्रार्थना करना है। सच्चे मन से माँ की प्रार्थना करो, उस दिशा में अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करो। फिर देखो जो सालों साल की साधना में आपको नहीं मिलता, वे आपको एक दिन की, दो दिन की, महीने भर की साधना में तृप्ति मिलेगी। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। और आकर्मण बन के नहीं, माँ से अगर भक्ति मांगा है तो भक्ति पथ पर बढ़ो, माँ से अगर आत्मशक्ति मांगा है तो आत्मशक्ति का पुरुषार्थी बनकर जी को पार्जन करो, परोपकारी बनकर दूसरों का कल्याण करो। ज्ञान मांगा है तो उस ज्ञान का उपयोग करके अज्ञानता से बचो, ज्ञान का उपयोग करके जो अज्ञानता में फंसी हुई मानवता है उसको निकालो, उसे भी ज्ञान दो, उस पथ पर बढ़ो। माँ से मांगना है तो भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो, सब कुछ उसी में सार समाहित है। एक बार उस भावभूमि में अपने आप को उतार दो, एक बार उस पलड़े के धरातल में खड़े कर दो कि बस बहुत पतन हो चुका, अब मैं अपना पतन नहीं होने दूंगा। एक अलग चैतन्यता आ जाएगी, एक अलग तृप्ति आ जाएगी। अपने सत्कर्मों को करो, भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा समाज में उसी दिशा की ओर आपको बढ़ाया जा रहा है, चैतन्यता लेकर के कि आप चेतनावान बनो, अपने घरों में आराधना भी करो, एक सच्चे भक्त भी बन सको, एक अच्छे समाज सेवक बन सको, माँ के चरणों के दास भी बनो।
और दूसरे की समस्याओं का समाधान भी करो, धर्म राष्ट्र और मानवता की सेवा करो।